हाय एवरीवन, दिस इज मी हबीबा शबीर। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी सी प्लस प्लस इंडस्ट्री लेवल पे यूज्ड होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काफ़ी यूज हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू या फिर MCQs भी। और ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे विद इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज ओब्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, फिर हम क्लास पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, असेस स्पेसिफायर्स एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फिर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एट द एंड डिफरेंट फंक्शन। अब हम देखते हैं कि व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले व्हाट वी हैड, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म भी कहते हैं, जो कि अर्लियर टाइम में यूज किया जाता था जब हम लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते थे। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, सी, कोबोल, फोरट्रान, ये सब क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। इस कन्वेंशनल ओरिएंटेड को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है कि जो हमारा प्रोग्राम होता था डेट वाज डिवाइडेड इनटू टास्क। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम सी प्लस प्लस को भी कहते हैं। उसमें हम क्या करते थे कि हमारा प्रोग्राम, हम अपने प्रोग्राम को टास्क में डिवाइड करते थे। काफ़ी ज़्यादा टास्क होते थे हमारे प्रोग्राम में और इन टास्क को हम ग्रुप किया जाता था इनटू फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस आर नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में जो हमारा मेन प्रोग्राम था, इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते थे, ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में कौन सी बात कर रहे हैं हम, सी प्लस प्लस की। इसी को हम सी प्लस प्लस को ही प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब सपोज हमारे पास सम वन, सम टू, सम थ्री फंक्शन था एंड दिस फंक्शन इन प्लेस यूज इन सम अदर फंक्शन। हमारे मेन प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा फंक्शन में डिवाइड किया जाता था। दीज फंक्शन कुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, वेयर वन फंक्शन इज लिंक्ड विद अदर फंक्शन। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा मेन फंक्शन जो होता था डेट वॉज ऑन फंक्शन। अगर डाटा की बात करें तो हमारे प्रोग्राम में कुछ डाटा होता था जिसपे हम अपने फंक्शन परफॉर्म करते, ऑपरेट करवाते थे और डाटा कैसे फ्लो करता है वो देखते हैं। सपोज वी हैव सम डाटा विच शुड बी असेसिबल फ्रॉम सम वन एंड सम टू एंड सम थ्री फंक्शन। अब ये डाटा सम वन, सम टू और सम थ्री भी असेस करता था। अब इस डाटा को हमें बनाना पड़ता था ग्लोबल डाटा, जो कि हमने सी प्लस प्लस में बहुत डिटेल्स से पढ़ा ग्लोबल डाटा, लोकल डाटा क्या होता है। अब ग्लोबल डाटा क्या होता है, जो कि असेसिबल फ्रॉम इंटायर प्रोग्राम, हम कहीं से भी ग्लोबल डाटा को असेस कर सकते हैं। अगर कोई डाटा वो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, सम वन फंक्शन के अंदर डिफाइन है, तो वो सम वन ही इसे असेस करेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लोकल डाटा, ठीक है। अगर हम किसी डाटा को ग्लोबल डाटा, अगर मैं किसी डाटा को ग्लोबल डाटा बना रही हूँ, डेट इज असेसिबल थ्रू आउट माय प्रोग्राम, ऑल माय फंक्शंस असेस दिस डाटा, ठीक है। ग्लोबल डाटा वो होता है जिसको हम फ्रीली थ्रू आउट द फंक्शन असेस कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल लोकल डाटा क्या होता है कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर किसी सम फंक्शन को डिफाइन किया है तो मैं वही फंक्शन उसको असेस कर पाएगा, कोई और फंक्शन उसको असेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कन्वेंशनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसके डिमेरिट्स देखते हैं ग्लोबल डाटा की क्या था, क्योंकि ये ग्लोबल डाटा कोई भी फंक्शन से असेस कर सकता था, सम वन, सम टू, सम थ्री फंक्शन। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें नहीं पता था किस फंक्शन में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। देर आर दी सम प्रॉब्लम और ये हमें ऑब्जेक्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हम देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन फोकस ऑन डेटा बट नॉट ऑन फंक्शन। जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में हमारा डेटा को मोस्टली ग्लोबल डाटा होता था और फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम एसेस हो सकता था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में इस चीज़, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ने इस चीज़ को चेंज किया, डेटा डज नॉट फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम।
इसमें क्या होता है कि हमारा जो बाइनरी डाटा टू दी फंक्शन भेजेंगे, अगर हमारे पास कुछ डाटा और हमारे पास कुछ फंक्शन है जो इस डाटा को असेस करना है, तो हम उसके साथ उसको बाइंड कर देंगे। अब ये बाइंड कैसे किया है? दिस इज वॉइड बाइंड इट यूजिंग ऑब्जेक्ट। हमारा जो प्रोग्राम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम इसको डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट में। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल हैव सम डाटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा मेन प्रोग्राम जो है दिस विल हैव सम फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, और हर ऑब्जेक्ट के अपना डाटा और फंक्शन हो सकता है। हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा और अपना फंक्शन होता है, ठीक है। और जैसे कि ऑब्जेक्ट वन में जो भी डाटा होगा डेट विल बी एसेसिबल ओनली फ्रॉम फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वन। जो ऑब्जेक्ट वन का फंक्शन होगा वही इसको असेस करेगा। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट टू का डाटा है डेट विल बी एसेसिबल ओनली फ्रॉम फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टू। सिमिलरली ऑब्जेक्ट थ्री डेट विल बी एसेसिबल ओनली फ्रॉम फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्री। बेसिकली डाटा और जो फंक्शन है इसको असेस कर रहा है, इनको हमने साथ में बाइंड कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैंने भी पहले बताया कि मेरे पास थ्री ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनके साथ फंक्शंस और डाटा भी है, ठीक है। हार्ड फंक्शन और डाटा जो है वही फंक्शन उसको असेस करेगा, ऑब्जेक्ट इसको असेस करेगा। एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम डाटा एंड फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो प्रोग्राम है इसको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका फ़ायदा क्या है? इट प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम एक्सीडेंटल चेंजिंग। जो भी फंक्शन डाटा को असेस कर सकता है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। प्रीवियस डाटा को सिर्फ वही फंक्शन असेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वन में डिफाइन है फंक्शन और डाटा इसी को वही सिर्फ वही ऑब्जेक्ट उसको असेस कर सकता है, किसी और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को इसे असेस नहीं कर सकता। तो ये था हमारा मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्लास से, ठीक है। क्लास क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। हमने सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स पढ़ी थी, इंट, करेक्टर, फ्लोट, डाटा टाइप्स। दीज आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये सी प्लस प्लस में बिल्ट इन डाटा टाइप थी, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, ये बिल्ट इन डाटा टाइप थी। और जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास इज आल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है, ये देखें, मेरे पास एक क्लास है फ्रूट की, ठीक है। तो अब मैंने फ्रूट की डिफरेंट वराइटीज को अपने प्रोग्राम में डिफाइन किया। उसकी वराइटीज़ कौन सी है? अनानास है, एप्पल्स, एप्पल, बनानास, ऑरेंज, ये सब के फ्रूट्स की डिफरेंट वराइटीज। अब मैं इनकी एक क्लास बनाना चाहती हूँ। दिस डाटा टाइप हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक कलर एंड टेस्ट। अब ये जो डाटा टाइप्स हैं, ये अनानास, एप्पल, बनानास, ऑरेंज, इनकी कुछ डाटा प्रॉपर्टीज होंगी। इनका कलर कैसे, इनका टेस्ट क्या, ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब ये जो हमारे पास फ्रूट है ये क्या है? डेटा टाइप। फ्रूट क्या? डेटा टाइप। और मैंगो, ये एप्पल, ऑरेंज, बनानास, अनानास, ये सब क्या है? मेरे पास वेरिएबल। जैसे कि हम सी प्लस प्लस में पढ़ते थे कि इंटीजर डेटा टाइप होती थी और उसके आगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होते थे? हमारे वेरिएबल्स होते थे। सिमिलरली इधर भी हम क्या कर रहे हैं? एक फ्रूट क्लास बना रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? फ्रूट डाटा टाइप। और उसकी जो डिफरेंट वराइटीज हम फ्रूट लिख रहे हैं, एप्पल्स, ऑरेंज, बनाना, ये सब क्या है? इसकी डाटा टाइप। एवरी क्लास विल डिफाइन सम डाटा प्रॉपर्टीज एंड मेथड फंक्शन। जैसे कि ये फ्रूट क्लास हमने बनाई है तो ये डिफाइन करेगी कुछ प्रॉपर्टीज, मेथड्स और फंक्शंस। और ये जो क्लास है इसने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जैसे कि ये हैं एप्पल्स, मैंगो, बनानास, अनानास, ये क्या है? बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स,
ऑब्जेक्ट के हैं वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लास। जैसे मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाती हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हूँ क्लास में, जैसे कि उसका स्टूडेंट नेम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स। तो ये क्या है, ये मेरे पास नेम, रोल नंबर, गेट मार्क्स, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। क्लास कौन सी बनाई है स्टूडेंट की, और प्रॉपर्टीज कौन सी है, रोल नंबर, नेम, ये गेट मार्क्स। गेट मार्क्स के एक फंक्शन बना दिए कि जो ये आइडेंटिटी करेगा स्टूडेंट का नाम वगैरह बताएगा। तो ये सब क्या है मेरे पास है, नेम, रोल नंबर, प्रॉपर्टीज। अब हम सबसे पहले इसका एक कोड करते हैं। लेट्स नाउ मूव टू कोड। अगर सी प्लस प्लस में कोई क्लास इसकी डाटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है, फ्रूट, क्योंकि हमने जो क्लास बनाई है वो फ्रूट के लिए है, तो फ्रूट की डाटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करें, उसका नेम कौन सा है, उसका कलर कौन सा है, ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रिंग, कलर। अब जो भी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, तो सबसे पहले हम टाइप, जो भी डाटा टाइप का होगा हमारी क्लास, और इसकी प्रॉपर्टीज, और फिर इस प्रॉपर्टीज का क्या आ जाएगा, नेम। अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। इंट मेन, फ्रूट एप्पल, एप्पल डॉट नेम इज इक्वल टू, और सिमिलरली एप्पल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन, तो हम सी आउट करवा देंगे, सी आउट एप्पल डॉट नेम एप्पल डॉट कलर। रिटर्न जीरो। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये क्या, फ्रूट एप्पल क्या है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट की नेम और कलर सेट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले फ्रूट है क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग कलर, मैं इसको डायरेक्टली मेन फंक्शन में असेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइवेट है। जब तक इनकी प्रॉपर्टीज़ को मैं पब्लिक ना बना लूँ, तो मैं इसको मेन फंक्शन में डायरेक्टली असेस नहीं कर सकती। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इनको पहले पब्लिक बनाऊँगी, इसकी प्रॉपर्टीज पब्लिक, और फिर इसकी पब्लिक, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप पब्लिकली मैं असेस कर सकती हूँ अपने मेन फंक्शन में। अब ये जो पब्लिक है, ये क्या है, असेस स्पेसिफायर। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेन फंक्शन में, वो क्लास की वो प्राइवेट होती हैं। अगर हम डायरेक्टली असेस करना है, तो हमें इन्हें पब्लिक बनाना पड़ेगा अपने मेन फंक्शन में असेस करने के लिए। अब इधर मुझे सेट करनी है वैल्यू, नेम, कलर ऑफ माय ऑब्जेक्ट। तो वो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले इधर क्या किया मैंने, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर डॉट ऑपरेटर, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर आई कैन असेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने ऊपर क्या है, पब्लिक कर लिया, इसके प्रॉपर्टीज को पब्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एप्पल ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू एप्पल, और फिर एप्पल जो कि ऑब्जेक्ट है डॉट कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया एप्पल डॉट नेम, फिर एप्पल डॉट कलर। तो अब हम इसको रेंट करते हैं,
तो ये देखिए मेरे पास क्या फूड में आ गई, एप्पल रेड। अब इधर मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती हूँ बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर मैं इधर लिखूँ फ्रूट स्टार मैंगो इज इक्वल टू न्यू फ्रूट उसके बाद मैंगो नेम इज इक्वल टू मैंगो उसके बाद क्या आ जाएगा सेमी कॉलन फिर मैंगो कलर इज इक्वल टू येलो। उसके बाद सी आउट करवाती हूँ सी आउट मैंगो नेम फिर इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा और फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर मैंगो कलर और क्या आ जाएगा एंटर। अगर मैं इधर न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके तो न्यू कीवर्ड यहाँ भी मैं ऑब्जेक्ट लिखती हूँ जैसे कि इधर मैंने न्यू कीवर्ड को यूज़ किया है न्यू फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट जो है वो पॉइंटर मैंगो। तो अब हमने क्या किया एक न्यू कीवर्ड को यूज़ किया है और तो हमें एक पॉइंटर वेरिएबल मिल रहा है टू बी पॉइंटेड टू डेट ऑब्जेक्ट। अब जब हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे बाई यूजिंग न्यू कीवर्ड तो हम उसमें क्या है एरोज का यूज़ करेंगे। अब जैसे ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था एप्पल डॉट नेम इज इक्वल टू एप्पल बाई यूजिंग डॉट ऑपरेटर यूज़ किया था, लेकिन जब हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उसमें हम एरो का यूज़ करेंगे। अब हमने देख लिया कि क्लास कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास क्रिएट करना, उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, क्लास को डिफाइन करना ये सब समझ आ गई होगी। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। और जो कंस्ट्रक्टर जब हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे तो जो हमारी क्लास का नेम होगा वही सेम हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। अब इसके थ्री टाइप्स हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम उसकी आर्गुमेंट्स जब हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं तो उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते। जैसे कि हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे हैश इंक्लूड वो हेडर फाइल
स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हम लिखेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास रेक्टेंगल, क्लास रेक्टेंगल। और फिर हम करेंगे पब्लिक, ऐसे स्पेसिफाइड का यूज़ करेंगे। इंट एल और इंट पी। अब इसमें हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट पास। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं जिसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते। अब जैसे रिक्टेंगल की क्लास हमने बनाई थी, रिक्टेंगल जो क्लास का नेम होगा, हमने जो क्लास का नेम रखा होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, जो क्लास का नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होता है कि वैल्यूज, जब हम कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। अब मैं इधर वैल्यू को इनिशियलाइज करवाती हूँ, एल इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखती हूँ, इंट मेन। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, रेक्टेंगल आर वन। उसके बाद क्या करवाती हूँ, उसको प्रिंट करवा लेती हूँ एल की वैल्यू को जो इनिशियलाइज करवाई थी, आर वन डॉट एल। और आर वन डॉट बी, उसके बाद क्या करेंगे, एंटर सेमी कॉलन लगा दें। उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगी और ब्रैकेट क्लोज होगी, इसको क्लोज कर दें। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए उसने मुझे वैल्यू जो इनिशियलाइज करवाई थी मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए, एल इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। जब मैंने मेन फंक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया आर वन को, तो उसमें वैल्यूज को प्रिंट करवाया, सी आउट करवाया, आर वन डॉट एल और आर वन डॉट बी। तो उसने मुझे आउटपुट में एल की वैल्यू जीरो दे दी और बी की वैल्यू जीरो दे दी। इस तरह कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, वो क्या है हमारे पास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। बेसिकली हम जब किसी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो उसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं वो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट्स पास, अब जैसे मेरी क्लास है रेक्टेंगल जो ऊपर डिफाइन की थी रेक्टेंगल, उसके बाद मैं दो कोई से भी आर्गुमेंट पास करूंगी, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। उसके बाद
ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और फिर हम एल इज इक्वल टू एक्स सेमी कॉलन, और पी इज इक्वल टू वाई, उसके बाद क्या रही सेमी कॉलन, और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इधर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करवा रहे हैं। सपोज हमें अपनी क्लास में जो हमारी वैल्यू है इन्हें कुछ इनिशियलाइज करवाना है किसी दूसरी वैल्यू से। अब ये देखिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त हमने इनिशियलाइज करवाया था जीरो से, अब हमारी क्लास में जो वैल्यू है एल और एक्स बी को, इसको मैंने इनिशियलाइज करवाना है किसी दूसरी वैल्यू से जो कि इधर इनिशियलाइज करवाई भी है एल इज इक्वल टू एक्स और बी को वाई से। तो उसके लिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जो भी हम इनिशियलाइज वैल्यू इधर इंट एक्स और वाई की है ये किसमें चले गए हैं एल और बी में। फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हम यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम अपना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं रेक्टेंगल R2 और ब्रैकेट्स में, क्योंकि हमें दो आर्गुमेंट ऊपर पास किए थे अब उनको कोई वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देंगे 3 और 4। उसके बाद क्या आ जाएगा सेमी कॉलन, और हम सी आउट करवा देंगे सी आउट R2.L और फिर स्पेस R2.P उसकी क्या आ जाएगा एंडर। अब मैं इसको रन करती हूँ रेक्टेंगल R2 3 4। तो ये देखिए मुझे 3 और 4 वैल्यू मिल गई है जो मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हुए मेन फंक्शन में दी। तो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टिव। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि जब हमें अपनी क्लास में जो हमारी वैल्यू है उसे इनिशियलाइज करवाना है किसी दूसरी वैल्यू से, तो उसके लिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टिव का यूज़ करते हैं। अब इधर मैंने इनिशियलाइज दो आर्गुमेंट को पास किए थे, उनकी वैल्यू एक्स और वाई रखती थी। अब एक्स और वाई किसको असाइन हो जाएंगे एल और बी, ठीक है। पहले एल और बी में क्या करवा था जीरो, अब मेन फंक्शन में आके मैंने आर टू ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इसमें दो वैल्यूज को पास करवाया, उसके बाद उसको सी आउट करवा दिया, और मेरे पास जो वैल्यू आ गई 3 और 4 वो किसको किसको डिफाइन है एक्स एल और बी को। बेसिकली मेरे पास एल और बी की वैल्यू आई है 3 और 4। अब हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आर टू का, इस आर टू की कॉपी चाहिए अनदर ऑब्जेक्ट आर थ्री में, तो इसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर existing object। रेक्टेंगल जो कि हमारी क्लास थी रेक्टेंगल, ये कॉन्स्टेंट रेक्टेंगल एम्परसेंड आर। एल इज इक्वल टू और डॉट वन एल, और सिमिलरली बी इज इक्वल टू और डॉट बी,
और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब मेन फंक्शन में आएंगे, तो मेन फंक्शन में यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल R3, जैसे कि हमने ऊपर मैंने बताया था कि अगर सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया R2 का, इस R2 की कॉपी चाहिए मुझे R3 में, तो इधर क्या है, मैंने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया R2, अब R2 की कॉपी मुझे R3 में चाहिए, R3 इज इक्वल टू R2। इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉल सेमी कॉलन, अब Cout करवा दूँगी, Cout R3। Similarly, L. R3 B. Ending. Okay, ये था मैं कॉपी इंस्ट्रक्टर में, अब इसको रन करते हैं, तो इधर देखते हैं क्या, इसको हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, तो ये देखिए मेरी कॉपी कंस्ट्रक्टर R3 की वैल्यू जो ऊपर थी जब मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, तो मेरे पास 3 और 4 की वैल्यू है, अब वही वैल्यू जो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा, क्योंकि हमने जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो R3 इज इक्वल टू R2, मतलब R2 की वैल्यू जो है वो R3 में आ जाएगी। तो इस तरह का फंक्शन, ये फंक्शन है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर इस फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिलीट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो उस टाइम हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन का कॉल करते हैं। इसमें हम कोई भी पैरामीटर्स को पास नहीं करते, तो इसका जो डिस्ट्रक्टर का साइन होता है वो टिल्डा होता है। जब मैं आपको प्रोग्राम लिखती हूँ तब आपको पता चल जाता है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, चाहे आपके मैनुअली करें या प्रोग्राम के एंड होने पर, इस टाइम पे डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे इस पर ये कॉल करता है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो कैसे डिलीट करता है हमारे कंस्ट्रक्टर्स फंक्शंस को, इसकी वर्किंग देखते हैं। डिस्ट्रक्टर ये देखें, ये सिंबल है इसका, टिल्डा रेक्टेंगल रेक्टेंगल आर्गुमेंट्स को कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास, हमने क्लास कौन सी बनाई थी, रेक्टेंगल की, तो इधर भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और जो हमारी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, लेकिन इसके साथ हम ये सिंबल्स का यूज़ करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ओपन, Cout डिस्ट्रक्टर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर इज कॉल, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब हम मेन फंक्शंस देखते हैं, ये मेन फंक्शन में नहीं आना था, ये हमने इधर बनाना था डिस्ट्रक्टर। ओके, अब हम मेन फंक्शन में देखते हैं डिस्ट्रक्टर को कैसे हम कॉल करेंगे। डिस्ट्रक्टर सबसे पहले हम रेक्टेंगल
लिखते हैं रेक्टेंगल स्टार R1 is equal to new rectangle. New rectangle. अब ये जो R है ये कैपिटल होना चाहिए. New rectangle. उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद क्या आ जाएगा सेमीकोलन. अब हम इसके बाद करवाएंगे सी आउट R1 एरो एल एंड फिर इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे सेमी कॉलन सिमिलर इंसर्शन ऑपरेटर फिर R1 एरो बी उसके बाद क्या करेंगे एंटर उसके बाद हम लिखेंगे डिलीट R1 डिलीट R1 तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट का क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या है डिलीट कीवर्ड जो ओनली यूज ऑन पॉइंटर कीवर्ड्स ठीक है और डिस्क्रिप्टर के लिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज़ करें जहाँ पे पहले हमारी R1 डिलीट हो जाएगी यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव फंक्शन है वो कॉल होगा सबसे पहले R1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जब हम इसको डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्चर फंक्शन जो है कॉल होगा बेसिकली मेन फंक्शन में R1, R2, R3 क्रिएट किया जब फंक्शन एंड हो जाएगा इस टाइम पे R1, R2, R3 ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें इधर क्या था ये हमने R1 लिखा था इसलिए एरर आ रहा था अब जब हम इसको R के साथ एल लिखेंगे तो फिर वो डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा अब ये देखें जब हमने हमारे मेन फंक्शन में R1, R2, R3 क्रिएट किया है जब फंक्शन एंड हो जाएगा उसके बाद जो है वो डिस्ट्रक्टिव फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले हमारे पास R1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो इसको डिलीट करेगा डिस्ट्रक्टिव फंक्शन फिर R2 और R3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट हुआ था और फिर डिस्ट्रक्टिव फंक्शन इसको डिलीट करेगा R2 और R3 ऑब्जेक्ट को जब भी मेन फंक्शन एंड होगा तो डिस्ट्रक्टिव फंक्शन कॉल होगा आई होप आपको समझ आ गई होगी डिस्ट्रक्टिव फंक्शन क्या होता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है पैरामीटराइज क्या होता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है